मोतिया की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, उनसे तसल्ली होती है। अबे मरने तेरा दुश्मन, तू क्यों मरने लगी? तू तो खुदा पे हयात है, और वैसे भी मरा तो मोतिया जा रहा है तेरी मोहब्बत। आज ये जिस्म मेरा है, कल ना जाने कौन इसकी बोली लगा दे। कोई 1 लाख देगा, कोई 2 या चल बस सब चुप कर। किस चीज का सोग मना रही है हुँ? और ये टसवे बहाना बंद कर, भूख हड़ताल खत्म कर दे लड़की, अब तू आशा बाई के कोठे पर है। मुझे कोठे वाली नहीं बनना, मुझे मेरी काला सरकार के पास वापस जाना, मुझे नहीं रहना है यहां पर। तेरी किस्मत में अब ये कोठा है, नाच गाना है और मर्दों को लुभाना है, तो ज्यादा नखरा करने की जरूरत नहीं है। मैं तवायफ नहीं बनूंगी। दो चार हंटर पड़ेंगे ना, और जब सिगरेटों से तेरा जिस्म जलाया जाएगा, तब तेरी ये जो जिद है और ये नखरा है, ये सब खत्म हो जाएगा। तेरी क्या औकात है, आशा बाई ने बड़े बड़ों को सीधा किया है। और सुन, कल से तेरी ट्रेनिंग शुरू होगी। और हाँ, ये जो तू खाला खाला करती है ना, तेरी खाला ने ही भेजा है तुझे, खरीदा है मैंने उससे तुझे, समझी? खाला के पास जाएगी। खाला ने भेज दिया। खाला सरकार, तुमने बहन के खून का सौदा कर लिया, तो फिर आशा बाई से क्या शिकायत? वो तो पराई है, तुम्हारी तरह मक्कार नहीं, जालिम है, मगर इसने मुझे धोखे में तो नहीं रखा। अभी इसकी बात मान लेती हूं, जो कहती है सीख लूंगी, और मौका मिलते ही यहां से भाग जाऊंगी। मुझे यकीन है मेरा मोतिया मुझे बचाने जरूर आएगा, वो मुझे यहां से ले जाएगा।